तुमको देंगे आशीर्वाद। हाँ बोलो बोलो बोलो। ओम स्वस्ति न गोविंद स्वस्ति न अच्युतानंद स्वस्ति न वासुदेव विष्णुर दधातु स्वस्ति न अंजना सुतो हनुर भागवतो दधातु स्वस्ति स्वस्ति सुमंगलैकेश महानस कृष्ण सच्चिदानंद घन सर्वेश्वरेश्वर दधातु स्वस्ति न अंजना सुतो हनुर भागवत दधातु स्वस्ति स्वस्ति लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभव जयसाम इंदिवरस्याम हृदयस्थो जनार्दन माधव माधव वाची माधव माधव हृदि स्मरन्ति साधवा सर्वे सर्वकार्येषु माधवम् प्रमद मदल लीला कंदरे कंदरे ते रचयति नवजून द्वंद्वमस्मि निमन्दम् एतकील गलनार्थ लग्नकस्त्वयर्मे निज निकट निवास गोवर्धन देहि त्वाम्। बोले नमस्ते नरसिंहाय बहिर नृसिंह नृसिंहम मादि शरणम प्रपदे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले श्री गिरिराज बाबा की सर्व विघ्न विनाशन कर नृसिंह देव की भक्त श्रेष्ठ श्रील प्रहलाद महाराज की जय। बोले श्री गुरुपाद पद्म की सपरिकर प्रभुपाद की सपरिकर गौर हरि की हिताई गौर ब्रह्मानंदे हरि। ये दोनों का आशीर्वाद तो आज तक ठाकुर जी की जन्मतिथि है और इनको शादी हो गया कितना हो गया तीन हो गया एक महीना हो गया। ये बच्चों दोनों का आशीर्वाद तो जैसे दोनों मिलजुल करके बड़े आनंद पूर्वक रहे और दोनों मिलकर के भगवान की भक्ति करें और एक को शादी होने वाला है इसलिए इसकी बहू जैसे बहुत अच्छी बहू आए जो कि इसको भक्ति में मदद करे। देखो स्त्री का एक नाम है धर्म पत्नी। क्या पत्नी है? धर्म पत्नी। एक होता है धन पत्नी और एक धर्म पत्नी। बोले धन पत्नी किसको कहते हैं? बोले जब तक पति को पास में धन होना तब तक रहे, धन खत्म हो तो भाग जाए। किसको कहते हैं? धन पत्नी। एक होता है धर्म पत्नी। धर्म पत्नी मतलब क्या? पति की पति को साथ में कंधे मिला करके दोनों जो सुख पूर्वक रहे, इसलिए कहते हैं पत्नी का नाम है क्या है? धर्म पत्नी। मतलब पति को जो धर्म में मदद करे है, धर्म में मदद करे। इसलिए पत्नी का एक नाम सहधर्मिणी। मतलब क्या है? जो धर्म में पति को हर समय भक्ति में मदद करे है वही स्त्री है। इसलिए स्त्री का दो रूप होता है, एक महामाया और एक जोग माया है। स्त्री पुरुष को नरक में ले जा सकती है, पुरुष तो को भगवान का धाम तक ले सकती है। पत्नी का ही काम है। अगर पत्नी हर समय बोले चलो सिनेमा देखने घूमने चलो है, यहाँ जाएंगे नहीं, चलो भगवान के धाम में चलेंगे, ठाकुर को दर्शन के लिए चलेंगे, सत्संग में चलेंगे, दोनों मिलकर भजन करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, फिर वो जोगमाया बन जाती।
पर पति को क्या करती है, सीधा भगवान की धाम में ले सकती है। पत्नी नरक भी ले सकती है, पत्नी वैकुंठ भी ले सकती है, पत्नी का काम है। इसलिए उसका दो स्वरूप है, महामाया योग माया। इसलिए पत्नी की क्या क्या करे, पति को योग माया रूप धारण करके पति को गलत रास्ता पर नहीं जानते, शराब पीने नहीं दे, गुटखा खाने नहीं दे, सिगरेट फूंकने नहीं दे, जुआ खेलने नहीं दे। अगर कोई गंदा काम करे तो स्त्री का काम है उसको हर समय बचाना। रामायण देखे हो, मंदोदरी के देखे कि नहीं, मंदोदरी हर समय देखना, मंदोदरी रावण को अच्छी मार्ग बता, अब देखे कि नहीं, हर समय समझाया करता था, नहीं आप जो काम कर रहे हो गलत काम कर रहे हो, हैं? इसलिए मैं पत्नी हूँ, मेरा कर्तव्य है तुमको समझाना, जब बड़ी विपत्ति समय आए मेरी कर्तव्य तुमको समझाना, अगर मैं समझा नहीं पाई तो मैं तुम्हारी पत्नी है ही नहीं। इसलिए गलत कर्म को छोड़ो, छोड़ करके सदमार्ग में चलो, सदमार्ग में चलो। ये साक्षात लक्ष्मी, सीता लक्ष्मी, इसलिए सीता को उठाकर नहीं लगा सकता, आग को तुमने घर में ले आए, और यही तुम्हारी काल बनकर के इतने लंका को ध्वंस करने वाले। लेकिन रावण सुना ही नहीं, सुना नहीं रावण है, सुना नहीं, लास्ट में लंका ध्वंस ही हो गया। इसलिए पत्नी हर समय पति को समझाया करे गलत रास्ता से, ठीक है ना, हर समय गलत रास्ता से उसको बचाया करना, नहीं गलत काम नहीं करना। एक तो शराब कभी भी पीना नहीं, ऐसे नहीं यार दोस्तों के साथ में बैठ गए, बैठ कर पी ले, रोज थोड़ी पी, तो आज शादी का समय पी ले, एक घुट ले लो, एक घुट फिर दो घुट फिर तीन घुट फिर पैसा निकाले पकड़ में पैसा निकाले, सौ क्या लेता हूँ। इसलिए इसी वजह से भी शराब मत पिया करो, ठीक है ना, इसी वजह से भी। और ऐसे संगत में भी नहीं तो बैठे ना का, जो संगत में बैठने पर तुमको गलत रास्ता पर दिखाई, चुहा खेलने के लिए बोलते, सिगरेट फूंके, गंदे काम में लगाए, ऐसे संगत को त्याग देनी चाहिए, असत त्याग करके, ठीक है ना। इसलिए अब दोनों मिल करके क्या करो, भगवान की भजन करो, भगवान की भक्ति करो। जिस घर में भगवान की भक्ति पूजा सेवा होता है, भागवत कहता है वो घर नहीं, वही भगवान की धाम है, वही वृंदावन धाम है। और जहाँ पर भक्ति नहीं होगा, इसलिए क्या करो, साधु संतों घर में बुलाओ, ये मत समझो अरे संतों को बुलाएंगे तो पैसा लगेगा, संतों को बुलाएंगे तो पैसा लगेगा, संतों को क्यों बुलाए, फिर संतों को नहीं बुले किसको, शराबी को बुलाओगे, जुआड़ी को घर में बुलाओगे, यही करोगे और क्या करोगे। संत नहीं आया तो शराबी आएंगे घर में ना, लेकिन उनको हम बुलाते हैं। देखो ये माता जी के लिए ताली बजाओ, जोरदार बजाओ ताली। देखो हम बच्चे का बर्थडे बनाते हैं, लेकिन ठाकुर का बर्थडे कभी बनाते हैं, मैं तो ही बोल रहा हूँ। और उनने संतों को बुलाया, हरि कथा हरि कीर्तन हो रही, देखो ये काम कौन करते हैं। बच्चे का बर्थ धूमधाम से बनाएंगे, ठाकुर के लिए कुछ नहीं, जिसने सब कुछ दिया है, जिसका थरा दुनिया है, वो ले सकता हो दे सकता भी वही है, देने वाले भी वही और लेने वाले भी वही है। एक कहते एक सेकंड के ब्रह्मा को है, कहते ब्रह्मा को मच्छर, मच्छर को वो ब्रह्मा बना सकता है, हैं? उसका सारी क्षमता है। इसलिए क्या करो, भगवान के लिए जन्म तिथि बनाओ, कीर्तन कराओ, भगवान के लिए जो कुछ करोगे ना, देखो हमारे संत एक उदाहरण दिया, जैसे अपना शरीर को बढ़िया करके सजाओ, अच्छे तरह सजा लो, शीशा को सामने खड़े हो जाओ, अब देखना ये शरीर को जैसे सजाओगे ना, जो परछाई पड़ेगी अपने आप सज जाएगी, परछाई के सजाने का कोई जरूरत नहीं, शरीर को सजाओ परछाई सज जाएगी। उसी तरह हम उदाहरण देते हैं, जितने सुंदर तुम्हारे घर में ठाकुर को सेवा हो, ठाकुर को खिलाओ पिलाओ, ठाकुर खुश रहे ना, जहाँ पर कृपा हरि की हो ता पर कृपा करे सब कोई, जाके राके साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जगह बैरी हो। अगर ठाकुर को जितने अच्छे तरह से खिलाओ पिलाओ सेवा करोगे ना, ठाकुर खुश हो तो तुम घर में खुश रहो। अगर ठाकुर अगर तुम्हारे घर में खुश नहीं ना, भले अरब खरबपति तुम बन जाओ, जितने लक्ष्मी घर में आ जाए, लक्ष्मी कौन है, नारायण की, ये चीज भी याद रखना, लक्ष्मी तुम्हारी है ही नहीं, लक्ष्मी लक्ष्मी तो नारायण की, लक्ष्मी घर में कब सुख शांति देगी, लक्ष्मी जब ठाकुर को सेवा में लगेगी, नहीं तो घर में सुख नहीं देगी। अरब खरब रुपया आ जाए, बीमारी उल्टा पुलटा केस ऐसे ऐसे गंदी चीजें आ जाएगी ना, एकदम तसनस तस कर देगी, क्यों, तुम्हारे घर में लक्ष्मी प्रसन्न नहीं, तुम ठाकुर को भोग लगाकर नहीं खाते हो, शराब पीते हो, जुआ खेलते हो, मांस खाते हो, ठाकुर को भोग नहीं लगाते हो, घर में जो मालिक जिसने दिया उसी के लिए हम कुछ नहीं कर रहे, दुनियादारी के लिए हम कर रहे, जिसने जिसका सब कुछ उसको तो चुपचाप बैठा हुआ है, वो उसके लिए कुछ हम नहीं करते हैं, लेकिन दुनियादारी के लिए करते, लक्ष्मी नाराज उसमें होती है,
लक्ष्मी उसमें खुश नहीं रहती है लक्ष्मी, और लक्ष्मी खुश नहीं रहेगी तो फिर तो दुनियादारी उल्टा पुलटा होने लग जाएगी, उल्टा पुलटा होने लग जाएगी। इसलिए क्या करो, घर में जितने घर में जो जितने ठाकुर को अच्छे तरह से पूजा सेवा ठाकुर को भक्ति करोगे, ठाकुर का आशीर्वाद से हम उतना ही घर में फलते मिलेंगे, है ठाकुर की सुख में ठाकुर में रहेंगे। ठीक है ना बच्चों, सवेरे उठ करके जब तक भगवान की भजन नहीं कर ले, माला नहीं कर ले, तब तक कोई काम नहीं करनी चाहिए। पहले भजन उसके बाद में भोजन, पहले भजन उसके बाद में भोजन, ठीक है ना बच्चा। इसलिए सवेरे सवेरे उठ करके माला करते हो कि नहीं, सही बोलो, झूठ नहीं बोलो, क्यों नहीं माला करते हो? अभी तुम इसकी पत्नी है, ये माला ली है, इसको बोल रहा हूँ ना पत्नी, ये जो खाने के लिए आएगा ना भोजन, बोले गुरु जी ने जो माला दिया माला किया कि नहीं, याद करवाना। धर्म पति ने ना हर समय पति को अच्छे मार्ग पर चलाए, ठीक है बच्चा। जब तक माला नहीं करना तब तक भोजन नहीं करना, ठीक है। कम देखो भगवान कहते ना, मेरे तरफ में एक कदम तू चल, मैं तेरे तरफ में 10 कदम चलूंगा। भगवान खुद कहते एक कदम चल, 10 कदम तेरे तरफ में चलूंगा। है दुनियादारी के लिए तो इतना सारे करते हैं, यार दोस्त में बैठे तो घटा घटा बिक जाए, और ठाकुर के लिए 10 मिनट दिन में नहीं दे सकते, है नहीं दे सकते। क्या करनी चाहिए, सबसे पहले घर में ठाकुर का सेवा पूजा हरिनाम करो, ठीक है, हरिनाम करके भक्ति करके फिर दिन भर काम करो ना, मना कौन करता है। दिन भर दुनियादारी पैसा कमाओ, बढ़िया करके रहो भाओ घर में, तो माँ जैसे तुम्हारी लक्ष्मी जैसे माँ तुमको मिली है, जो भगवान की भक्ति करते नहीं सचमुच से। देखा हम कितना बार इनके घर में आए, हर चीज में ये बहाना बनाती है, घर में संत लोग आए, घर में हरि कीर्तन हो, वो कौन नहीं सब काम करती है बताओ। इसलिए लक्ष्मी साक्षात समझो, लक्ष्मी रूप में तुम्हारी मैया आ गई घर में, जो कि भक्ति में इतना रुचि है, बच्चों को सदमार्ग में चलाने के लिए कोशिश करती है, हैं भक्तों को बुलाती है, ठीक है। इसलिए हरिनाम करो, भक्ति करो, इसी से ही जीवन में सुखी शांति इसी में ही रहेंगे, और किसी चीज में हम सुखी नहीं रहते हैं, है ठीक है ना। हरिनाम करो, माला जप करो, तुम भी हरिनाम करना, ठीक है। माला दिया ना तुमको, हाँ उसको कुछ समय दो ठाकुर जी के लिए, कम से कम 1 मिनट दे सकते हो, उसके लिए 10 मिनट तो दे सकते हो। प्रभु जी एक कथा सुनाते हैं, ध्यान के सुन, कथा सुनाते तो इधर आओ, 10% इधर आ जाओ, ये डाल दो, हाँ इसको बच्चों का आशीर्वाद दे दो। अभी एक सुंदर कहानी सुनाएगा, बोले गिरिराज महाराज की, बोले गिरिराज बाबा की जय। हरे कृष्ण, एक ठाकुर को माला को निकालता, अच्छा हाँ इधर आ, और एक माला निकालते तो तुम पति को पहना दे, वहां से और एक माला ले लो, इधर आ, हाँ सुना सुना, अच्छा जल्दी आ जाओ। देखो ये आपको एक छोटी सी कहानी सुनाएगी, उसके बाद में फिर हम लोग उस प्रसाद पाएंगे, जल्द जल्द जल्दी आ जाओ, हाँ खड़े होकर इधर आ जाओ, फटाफट आओ, हाँ बैठ जाओ, 5 मिनट और बैठ जाओ सबके साथ, लो इसको माइक लो। हरे कृष्ण, हाँ ये जो कथा सुनाएगी ना इसका मतलब है, इसका मतलब है हमें क्यों भक्ति करनी चाहिए, क्या जरूरत है भजन करने की, हैं? ये जो कथा सुनाएगा ये कथा का मतलब है, ठीक है। देखो ये पढ़ा लिखा इसे जानते हो कि नहीं, ये 8 करोड़ लाख रुपया किसी का तनख्वाह थी, उसने छोड़ करके दूसरों को कल्याण मंगल हो इसलिए छोड़ करके जगत में हरि भक्ति प्रचार कर रहा है। बोलो हरि बोल, हरे कृष्ण, सब एक बार हाथ उठाकर बोलो, बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। गुरुजी प्राय एक स्टोरी सुनाते हैं, और स्टोरीज हमारे जो शास्त्र है ना, भागवत हुआ, पुराण इत्यादि जो भी हुए, वेदव्यास ने सारे शास्त्र लिखे हैं, और उनके अंदर ऐसी छोटी छोटी स्टोरीज लिखती है, और स्टोरीज का उद्देश्य क्या है कि शास्त्र के जो जटिल वाक्य है, संस्कृत हम लोग को तो कुछ ज्ञान है नहीं संस्कृत का,
तो इसलिए संस्कृत तो लोग समझ नहीं पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे स्टोरीज के माध्यम से लोगों को शिक्षा देने के लिए कुछ स्टोरीज लिख दी है ना। तो जो भी स्टोरीज सुनाते हैं भागवत के अंदर भी जो प्राय प्रसंग आते हैं उनसे हमें शिक्षा लेनी चाहिए। एक समय क्या हुआ था, एक भिखारी वो सड़क पे भीख मांग रहा था। भीख मांगते मांगते उसको एक सेठ जी उधर से आ रहे थे, सेठ जी से भी उसने भीख मांगी, कहने लगा कुछ भीख दे दो, भिक्षा दे दो। सेठ जी बोलने लगे, बोले भाई देखने में तो हट्टा कट्टा है, तो अपना कमा के खा नहीं सकता, कमा खाने में क्या दिक्कत है, कोई कमा के खाओ आराम से, कहीं नौकरी करो, पैसा रोजगार होगा उससे, अपना पेट पालन करो, सड़क पे भीख मांगने की क्या जरूरत है। वो व्यक्ति बोलने लगा कि देखो सेठ जी, मैंने बहुत चेष्टा कर ली, मैंने खूब काम करने का प्रयास करता हूँ, लेकिन क्या है ना, जब भी चेष्टा करता हूँ सारे बिजनेस फेल हो जाते हैं, किसी में सक्सेस नहीं मिलती, और अल्टीमेटली कोई लास्ट में कोई ऑप्शन नहीं बचा, सड़क पे भीख मांग रहा हूँ, इसलिए भिक्षा दे दो, आप भी कुछ भीख दे दो, आपका भगवान भला करेगा। सेठ जी बोलने लगे कि देखा तो सच में काम करने की इच्छा है तो मैं तुझे अपने बिजनेस में पार्टनरशिप दे दूंगा, मेरे चावल का बिजनेस है, मैं तुझे अपने बिजनेस में पार्टनरशिप दे दूंगा। अभी भिखारी सुनते ही तो खूब मौज हो गई उसके, बोले रस्ते चलते अगर कोई बिजनेस की पार्टनरशिप दे दे कितनी बढ़िया बात है। फिर सोचने लगा कहीं मजाक तो नहीं कर रहे हैं, तो उसने पूछा सच में आप बिजनेस की पार्टनरशिप देने ही कह रहे हैं ना, ऐसे मेरे मजे ले रहे हो। बोले नहीं नहीं, हम सच में तुम्हें बिजनेस की पार्टनरशिप देंगे, मैं तुम्हें बिजनेस की पार्टनरशिप ही नहीं, मैं एक ऐसा काम करूंगा कि 90% मेरे बिजनेस का सारी ओनरशिप मैं तुम्हें दे दूंगा, पूरे टाइम तुम काम करना, लेकिन महीने के अंत में 10% तुम मुझे लाकर दे देना। अभी भिखारी बहुत खुश हो गया, क्या डील हो गई, बोले 90% भिखारी का, 90% भिखारी का, और 10% का जो प्रॉफिट है वो सेठ जी के पास में आएगा महीने के अंत में। बोले चिंता मत करो सेठ जी, महीना खत्म होने से पहले मैं आपका 10% पहुंचा दूंगा। ठीक है, डील फाइनल हो गई। अभी जब पहला महीना खत्म हुआ, सेठ जी इंतजार कर रहे थे कि 10% आएगा, भिखारी ने काम करना चालू किया, बिजनेस की ओनरशिप ली, खूब काम किया, लेकिन जैसे ही पहला महीना खत्म हुआ 10% नहीं दिया, जो डील हुई थी 10% देने की, 10% देने नहीं आया। सेठ जी इंतजार में रह गए, फिर सोच रहे थे हो सकता है काम में बिजी होगा इस वजह से लेकर नहीं आया, दूसरे महीने 20% आ जाएगा। अभी दूसरा महीना हुआ, दूसरे महीने 20% की आशा से सेठ जी बैठे हुए हैं, भिखारी फिर भी कुछ नहीं लेकर आया। 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 6 महीने निकल गए ऐसे करते करते, लेकिन वो भिखारी कुछ भी लेकर नहीं आया। अभी 6 महीने बाद में सेठ जी ने सोचा कि मैं जाकर देखता हूँ भैया कहीं मरमुर आ गया हो ना क्या, एक बार खोज खबर तो ले जाके। तो सेठ जी जब उसकी खोज खबर लेते हुए आए हैं, देखा है जिस स्थान पर वो भीख मांग रहा था उसी स्थान पर बहुत बढ़िया आलिशान एक कोठी बना ली, खूब बाहर जो है बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हुई है, खूब उसके ठाट बाट हो रहे हैं, बिजनेस की ओनरशिप ऐसी मिली उसके तो बारे न्यारे हो गए, है ना, नौकर चाकर काम कर रहे हैं। और सामने से जैसे सेठ जी घर के अंदर घुस रहे हैं, सामने से वो व्यक्ति सूटेड बूटेड खूब बढ़िया कपड़े पहन के और आ रहा है, और सेठ जी को तो पहचानने में ही नहीं आ रहा, सेठ जी वो सेठ जी को नहीं पहचान रहा, और सेठ जी भी उसको देखकर सोच तो रहे हैं कि हाँ यही व्यक्ति है। तब उससे पूछने लगे कि बोले तुम मुझे पहचानते हो, बोले आप कौन जी, आप कौन साहब, कहां से आए। बोले जिस बिजनेस की ओनरशिप लेकर तेरे इतने ठाट बाट हो रहे हैं ये मेरा ही बिजनेस है। अच्छा, बोले आप वही आदमी हो, बोले हाँ मैं वही हूँ। बोले हमारी क्या डील हुई थी, बोले क्या डील हुई थी बताइए। बोले हमारी डील हुई थी ना कि मेरे बिजनेस की ओनरशिप तुम ले लो, महीने के अंत में 10% तुमको प्रॉफिट मुझे देना पड़ेगा। बोले हाँ ऐसे कुछ बात तो हुई थी। बोले हर महीने के एंड में 10% लाने की बात थी, 6 महीने बीत गए, 6 महीने बीत गए, तुम तो कुछ भी देने नहीं आए, तुम तो कुछ भी देने के लिए नहीं आए, 6 महीने बीत गए। तब वो भिखारी सेठ जी को कहने लगता है, बोले देखो सेठ जी, पूरे महीने भर गधे की तरह काम तो करूं मैं, बिजनेस की सारी हेडेक मेरे ऊपर, हाँ सारे वर्कर्स को सब चीज को देखना सब मेरे अंडर में, सब मेरे को करना पड़ेगा पूरे दिन भर, और महीने के एंड में 10% तुमको किस बात का लाकर दे दूं, घर बैठे बैठे तुमको 10% में किस बात का दे दूं। अभी सेठ जी के तो ये बात सुन के पैरों तले जमीन खिसक गई, बोले क्या बात कह रहा है ये, मैंने इसको सारे बिजनेस की ओनरशिप दी, बिजनेस मेरा, काम मैंने दिया, जो कुछ कमा रहा खा रहा है सब मेरी बदौलत, और मेरे को बोलता है कि 10% किस बात का दूं। आप बताओ आप लोग के साथ में अगर ऐसा कोई करे तो आप उसे क्या बोलोगे, बताओ आप लोग के साथ में अगर ऐसा कोई धोखा करे तो फिर आप क्या कहोगे उसे, बेईमान नमक हराम, है ना। देखो ये बेईमान नमक हराम और कोई नहीं, हम ही लोग हैं।
अभी तो माता जी से बेईमान नमक हराम बोल रहे हैं, जिनके साथ में सच में अगर ऐसा कोई बीतेगा ना, चांटे मार मार के इतनी गालियां निकाल के और उसको निकाल देंगे उसी समय पर, है ना। लेकिन सच में अगर विचार करोगे तो वो बेईमान, वो धोखेबाज, वो नमक हराम लोग जो लोग भजन नहीं करते वही है। क्योंकि हमारा जब जन्म हुआ था, मातृगर्भ से जब हमने जन्म लिया था, उस समय पर हमारे पास में क्या था, विचार करके देखो क्या हम लेकर आए थे। मुट्ठी बांधे आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा। अपने कर्म फल को लेकर आते हैं और जब मृत्यु होती है यहां से कुछ भी साथ में जाता नहीं। जब मातृगर्भ में एक शिशु होता है उस समय पर इमेजिन करके देखो एक बार, एक जीव किसी व्यक्ति को ऐसे उल्टा लटकाया हुआ है, छोटी सी कॉम्पैक्ट सी जगह के अंदर उल्टा लटकाया हुआ है, सिर नीचे पैर ऊपर की तरफ, वहां पर खाने को ठीक से नहीं है, बहुत छोटी सी जगह है, वहां पर बहुत गर्म टेम्परेचर है और वहां पर छोटे छोटे कीड़े उसके शरीर को नोच रहे हैं, इतनी दुर्गंध है वहां पर, माँ के पेट में क्या है, खून पीक पैखाना यही सबसे भरा हुआ है। उसी मातृगर्भ के अंदर जब एक शिशु होता है तो उस समय पर इतनी दयनीय स्थिति होती है उसकी, इतना दुख कष्ट भोग करता है और उसी समय पर ना वो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान आप मुझे यहां से बाहर निकाल दो। भगवान बोलते हैं, बोले यहां पर दुख कष्ट पा रहे हो इसलिए बोल रहे हो कि आप मुझे यहां से बाहर निकाल दो, बाहर निकलकर क्या करोगे, बोले मैं आपका भजन करूंगा, मुझे समझ में आ गया कि मैंने जो पूर्व पूर्व जन्मों में पाप कर्म किए हैं उसके फल स्वरूप मुझे इतना कष्ट भोगना पड़ रहा है, जिनके लिए मैंने सब कुछ किया था, वो परिवार वाले, वो स्वजन आत्मीय कोई भी तो मेरे साथ में नहीं है, इतना दुख मैं भोग कर रहा हूं, कोई मेरे साथ में नहीं, मुझे अकेले ही भोग करना पड़ रहा है, आप मुझे दया करके यहां से बाहर निकालो, मैं आपका भजन करूंगा। बोले सच में, बोले हाँ मैं आपका भजन करूंगा, मैं समझ गया हूं ये मानव जीवन ही एकमात्र मिला है भगवान का भजन करने के लिए। बोले ठीक है, इस तरह की डील हम माँ के गर्भ में भगवान के साथ में फाइनल करके आए हैं। लेकिन जैसे ही बाहर आए सब कुछ भूल गए, जैसे वो भिखारी भूल गया था ना, वैसे ही हम लोग भी भगवान के साथ में डील करके आए हैं, लेकिन हम वो डील भूल के और संसार में मौज कर रहे हैं, है ना, भगवान से विमुख होकर और इस संसार में रचे पचे रह रहे हैं, भगवान के लिए हमारे पास में समय नहीं है। लेकिन यहां पर देखो, सेठ जी ने उसे कहा था 10% मुझे देना, ठाकुर जी भी क्या कह रहे हैं, तुम भी मुझे अपना 10% दो, 10% पैसा नहीं, जो पैसा कमाते हो इनकम करते हो, 10% पैसा नहीं चाहिए, सेठ जी को तो 10% प्रॉफिट चाहिए था, भगवान को 10% समय चाहिए। भगवान ने हमें दया करके 24 घंटे दिए, है ना, भगवान ने हमें क्या नहीं दिया विचार करके देखो। अभी कोरोना का समय आया था ना, देखो ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए कितनी मारामारी हो रही थी, कितने कॉस्टली हो गए थे ऑक्सीजन सिलेंडर, भगवान ने जन्म से लेकर अब तक ये नाक के पास में ऑक्सीजन रख रखी है, कभी कोई बिल मांगा, कभी कोई पैसा मांगा, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, उन्हीं भगवान को भूल के और नमक हरामी कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी चलती है, बिजली का बिल देते हो ना हर महीने, सब बिजली का बिल भरते हैं, लेकिन भगवान ने जो दिन के अंदर सूर्य की रोशनी दे रखी है उसके लिए क्या बिल दे रहे हैं, उसके लिए क्या बिल दे रहे हैं। जो सब्जियां सब्जी वाला हमको घर दे जाता है उसके लिए तो हम पैसा देते हैं, लेकिन जिसने सृष्टि करी, जिसने खाने पीने के लिए फल मूल इत्यादि सब बनाए हैं उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। इसलिए सूरदास का एक पद है, वो कहते हैं, जिनी तनु देही ताही बिसराई, कैसे नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खलखामी। मेरे समान कुटिल, मेरे समान खल, मेरे समान नमक हरामी कौन होगा कि जिसने मुझे सब कुछ प्रदान किया मैं उसको ही भूल के बैठ गया। भगवान ने तो हमें सब कुछ दिया ना, भगवान ने हमें सब कुछ प्रदान किया, उनको भूल के और उनके साथ में नमक हरामी कर रहे हैं। इसीलिए 10% देने का मतलब क्या है, बोले भैया 10% समय निकालो। सब दुनियादारी के लिए हम समय दे रहे, सब चीजों के लिए नियमित रूप से करते हैं, नियम से खाना है, नियम से सोना है, सब चीज नियमित रूप से कर रहे हैं, लेकिन जो वस्तु सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए टाइम ही नहीं दे रहे। नमक हरामी मत बनो। देखो आपने सुना होगा, बीइंग थैंकफुल इज अ जेंटलमैन्स क्वालिटी, है ना, इंग्लिश में एक सेइंग है, बीइंग थैंकफुल इज अ जेंटलमैन्स क्वालिटी। अच्छा सूटेड बूटेड पहन लेने से, खूब अच्छा ड्रेसअप होने जाने से जेंटलमैन नहीं बनते। अगर थैंकफुल हो, कोई सड़क पे हम चल रहे हैं, हमारा कोई सामान गिर गया, कोई उठा के अगर हमको दे देता है ना, उसको भी हम थैंक यू बोलते हैं, बोलते हैं ना, बोलते हैं कि नहीं। तो जब भगवान ने हमें इतना कुछ दिया है तो उनको थैंक्स करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, विचार करके देखो। इसलिए भजन करना पड़ेगा, भगवान का भजन जब तक नहीं करोगे तब तक उनका शुक्रगुजार नहीं हो सकते, तब तक नमक हरामी ही बनते रहोगे। भगवान की माला करके, उनका नाम जप करके सबसे सरल उपाय है। हम लोग को ठाकुर जी ये नहीं कह रहे कि जैसे सतयुग के अंदर लोग तपस्या करते थे एक पैर पे खड़े होकर, वैसा करो, बोले नहीं,
द्वापर युग के अंदर जैसे लोग यज्ञ पूजा इत्यादि करते थे, ठाकुर जी ऐसा कुछ करने को नहीं कह रहे हैं, केवल मात्र उनका नाम ग्रहण कर लो, भगवान का नाम यदि जप कर लोगे तो सब करना हो जाएगा। राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, अंत में बोलते हैं ना भगवान का नाम ही एकमात्र सत्य है, वो अगर कर लिया तो सब चीजें हो गई, और अगर वो ही नहीं किया तो भैया फिर तो डंडे पड़ेंगे यमदूत के। अभी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन शास्त्र की वाणी है, जो व्यक्ति भजन नहीं करता बहुत ही अधोगति होती है। भगवान ने मानव शरीर प्रदान किया, एक कुत्ते गधे को बोलोगे भगवान का नाम लेने के लिए वो नहीं कर सकता, कुत्ते गधे को बोलोगे वो भगवान का नाम नहीं कर सकता। जो लोग पेड़ बने हुए हैं वो भगवान का नाम जप नहीं कर सकते, केवल मात्र मनुष्य को ही ये सुयोग मिला है। देखो ये विदेशी लोग कहां हमारी भारतीय सभ्यता को आकर ये लोग अपना रहे हैं, हाँ जहां इनके यहां अगर जाकर देखोगे ना किसी चीज का अभाव नहीं है। हम लोग को तो इतना परिश्रम करके और थोड़ा धन ऐश्वर्य मिल रहा है, किसके लिए पिताजी को पूछो कितना कष्ट करना पड़ता होगा, लेकिन इनके यहाँ किसी चीज का अभाव नहीं, बहुत ही अनुकूल वातावरण है। हमारे यहाँ तो इतना गर्म रहता है, इनके यहाँ तो इतना सूदिंग एटमोस्फियर भी रहता है, रशिया से आए इन लोग, लेकिन वहां के कल्चर को छोड़ के यहाँ भारत की गर्मी झेल रहे हैं ये, क्योंकि इनको ब्रजधाम की महिमा पता है, वृंदावन की महिमा पता है, साधु संघ की महिमा पता है, इसलिए क्या कर रहे हैं वो सब छोड़ के और यहाँ पर आकर भगवान का नाम जप कर रहे हैं। और हम लोग ये हमारी सभ्यता, ये हमारी धरोहर है, इसी को छोड़ के और जो विदेशी लोग कर रहे हैं उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। उन्होंने जो चबा चबा के चूस के जो छोड़ दिया, थूक दिया, उन्होंने देख लिया कि भैया इसके अंदर कोई रस नहीं है, हम क्या कर रहे हैं उसी को वापस उठा के और उसके अंदर से रस लेने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी दयनीय स्थिति हो गई है भारतीय की आजकल। इसलिए क्या करो, भगवान का भजन थोड़ा सा करो, भगवान का भजन जब तक नहीं करोगे तब तक सुखी नहीं रह सकते, चाहे दुनिया की कोई भी सारी चीज अपना लो, ठीक है। इसलिए क्या करना चाहिए, नमक हरामी ना बन के भगवान के लिए थोड़ा समय दो, ठीक है, करोगे ना आज से? बिल्कुल बिल्कुल, बोले देखो गुरु जी को सामने झूठ नहीं बोलते, भाव लगता है ना ये करती है। इसलिए जैसे भोजन करने से पहले ना ठाकुर घर में बैठ जाना, बैठ कर माला दिया है ना, तो माला में एक बार हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये माला में कम से कम पहले हरि नाम करो, ठीक है ना। और ये माला को हर समय पास में रखा करो, क्योंकि जब जब समय मिलेगी हरि नाम को करते रहना, ठीक है। माताओं किसको पास में माला नहीं है, हाथ पकड़ो, लगता है सबके पास में माला है, लगता है तुम्हारे पास में है माला नहीं है ना, तुम्हारी पास में नहीं है, माला ले लो, ठीक है। अब भी करो, बच्चों को भी हरिनाम कराओ, है घर में भगवान के बच्चे हरिनाम करेंगे ना घर में शांति सुख बनी रहेगी, गड़बड़ी, ठीक है। सब माला लेकर हरिनाम करना सब।